दिया ना ये राजस्थान का रविदास गेट और लंका की तरफ ये मार्ग जाता है। देखिए सिंह द्वार की तरफ सीधे चले जाएंगे और ये संत रविदास गेट है और ये तिरमोहानी है। और मैं आज आप जो ये वीडियो का पर्पज है मेरा, देखिए प्रसिद्ध चाची की दुकान, ये वही चाची हैं जो कि गाली गलौज देती थी और गाली गलौज के साथ जो है प्यार को समेट कर जो है कचौड़ी सब्जी खिलाती थी। हालांकि वो अब दुनिया में नहीं रहीं, इनकी उनका दुकान आज भी है और लोग बड़े चाव से आते हैं। ये देखिए चाइल्ड, देखिए पीने का जो है टेबल और पीने की कुर्सी, ये पीना लगा कर कितना बढ़िया जो है अद्भुत स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप तो इसे नहीं कहेंगे, कितना बढ़िया मतलब ये तरीका है। पहले लोग खड़े होकर खाते थे लेकिन अब इस तरीके से, और देखेंगे देखेंगे तो वो लंबा कतार लगा हुआ है। और ये मैं आपको ले कर चलूँ इस बार, रुकिए ये चाची का फोटो लगा हुआ है। कचौड़ी पूरी और जलेबी यही नाश्ता प्रसिद्ध बनारस का चाची की दुकान और बराबर अमीर हो गरीब हो छोटा हो बड़ा हो जो भी हो सब आते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। बेचू के प्रोफेसर हो स्टूडेंट हो विद्यार्थी हो कोई भी हो, अगर बनारस आते हैं तो दादी की दुकान पर ज़रूर आते हैं। दादी जब जिंदा थी तो मेरा जो अनुभव है एक दो बार मैं लिया हूँ, गाली गलौज दे के देती थी और लोग हंसते थे उस गाली पर और खूब इंजॉय करते थे और खूब मन से खाते थे। हालांकि उस खाने में प्यार भी बना रहता था और यही वो अभी उनके लड़के हैं और उनके घर के सदस्य हैं ये, और बाकी जो है यहाँ सहायक कर्मी हैं। 9 बज रहे हैं, काफ़ी खुशनुमा माहौल है। तो बनारस की चुनावी यात्रा की शुरुआत हम आज करेंगे और आपको दिखाएंगे बहुत कुछ।